अभी देश में अप्रैल का महीना ही चल रहा है, लेकिन गर्मी ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। देश के कई शहरों में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। लोग गर्मी के इस कहर से परेशान हो चुके हैं। उनका कहना है कि अप्रैल के महीने में ही ये हाल है तो फिर मई जून में क्या होगा। जिस हिसाब से दिन ब दिन पारा बढ़ता जा रहा है, लोगों का अभी से ही जीना मुहाल हो गया है। मौसम विभाग ने अभी से ही येलो अलर्ट जारी कर दिया है और लू की चेतावनी भी दे डाली है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि इस साल हीट वेव का कहर इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है। क्या ये क्लाइमेट चेंज की चेतावनी है या आने वाले किसी बड़े खतरे की घंटी। तो पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये हीट वेव क्या होता है और क्या ये लोगों के लिए जानलेवा है। देखिए, जब किसी जगह का तापमान दिए गए क्षेत्र के सामान्य औसत से ज्यादा हो जाता है तो उसे हीट वेव कहते हैं, और इस वक्त देश के कई राज्य हीट वेव का सामना कर रहे हैं। बिहार, दिल्ली, बंगाल, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा जैसे भारत के कम से कम 15 राज्य प्रचंड गर्मी और लू की चपेट में है। लोगों का कहना है कि सुबह के 10 बजते ही दोपहरी जैसी गर्मी महसूस होने लग रही है और कई क्षेत्रों में तो अधिकतम पारा 42 से 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। हीट वेव आमतौर पर 2 या उससे ज्यादा दिनों तक रहती है। हीट वेव की घटनाएं बढ़ने से मौत और बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। पिछले साल की बात करें तो देश में गर्मी और हीट वेव की वजह से कई हजार लोगों की जान गई थी। अब ऐसे में इस साल भी हीट वेव की वजह से मौत का खतरा मंडरा रहा है। बता दें, हीट वेव का सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन। साल 2022 और 2023 में मार्च से जून के अंत तक भारत में एक बहुत बड़ी गर्मी की लहर देखी गई, जिसमें तापमान सामान्य से काफी ज्यादा था। इसमें देखा गया कि ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ने की वजह से ऐसी परिस्थितियां आई और ये अब और भी ज्यादा बढ़ रही है। पिछले साल अप्रैल में खासकर पूर्वी भारत के तटीय इलाकों में बहुत ज्यादा उमस और गर्मी पड़ी। इससे शरीर की गर्मी सहन करने की क्षमता यानी कि हीट स्ट्रेस इंडेक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया, जो खतरनाक सीमा को पार कर चुका है, और ये हमारे लिए एक बड़े खतरे की घंटी और चेतावनी है, क्योंकि गर्मी का हमारे मूड, शरीर और प्रोडक्टिविटी तीनों पर असर पड़ता है। इतनी गर्मी जानलेवा तो है ही, इससे लोगों का मूड भी खराब हो जाता है, जिससे लोग ज्यादातर चिड़चिड़ा महसूस करने लगते हैं। अब इस बढ़ती गर्मी को लेकर कुछ दिन पहले ही मोदी सरकार ने एक रिव्यू मीटिंग भी की थी। मीटिंग में कई इश्यूज पर बात हुई, खासकर उन इलाकों के बारे में जहां ज्यादातर गर्मी पड़ती है या फिर धूप का सीधा असर होता है। मीटिंग में कमजोर व्यक्ति, बुजुर्ग, बीमार और श्रमिक लोगों के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जताई गई। इसे लेकर सरकार कई तैयारियां भी कर रही है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में शुद्ध और शीतल पेयजल का इंतजाम करना, साथ ही वहाँ ORS घोल का इंतजाम करना, गर्मी से बचने के लिए शेल्टर होम्स बनाना, सरकार ने हीट वेव से बचने के लिए ये सारे उपाय जारी किए हैं। इसके अलावा उन्होंने हीट वेव से बचने के लिए लोग और क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी उन्हें जागरूक करने के लिए कहा है। साथ ही इन उपायों को स्कूल और कॉलेज के बच्चों को भी बताया जाए, इसके लिए स्कूल और कॉलेज में सेशन रखने की बात की गई है। फिलहाल बढ़ते हीट वेव के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। अब ऐसे में आप खुद को इस गर्मी और हीट वेव के प्रकोप से बचाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले तो हीट वेव से बचने के लिए शरीर को हाइड्रेटेड रखना जरूरी है। इसके लिए भरपूर मात्रा में पानी पीते रहे। घर से जब भी बाहर जाए तो अपने पास पानी की बोतल जरूर रखे। साथ ही गर्मी के मौसम में मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा आदि का सेवन करें। इसके अलावा ड्रिंक के तौर पर शिकंजी, नारियल पानी, सत्तू का शरबत, छाछ, लस्सी, बेल का जूस, इन सब का आप सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही हल्का भोजन करें और हल्के रंग के सूती कपड़े ही पहने। गर्मियों में डार्क कलर पहनना अवॉइड करें, और अगर तेज धूप में बाहर निकल रहे हैं तो सनग्लासेस लगाएं और खुद को ढक कर रखें। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखकर आप इस बढ़ती गर्मी और हीट वेव से खुद को बचा सकते हैं। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए आर भारत।